सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे काकरोच के इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। एंड मैं आपको यहां से पूरा याद करा के भेजूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा याद हो जाएगा और काकरोच के बारे में जितनी भी कन्फ्यूजन्स होती हैं वो सभी दूर हो जाएंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए मैं टोटल एनसीईआरटी के ट्रिक्स बताता हूँ एंड एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स बताता हूँ क्योंकि सब कुछ एनसीईआरटी से आना है। तो देखिए टेगमेन को कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं फोरबिंग। टेगमेन को कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं फोरबिंग एंड ये फोरबिंग डार्क होता है एंड कहाँ से निकलता है, मेजोथोरैक्स से निकलता है। ठीक, ये चारों पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको हम लोग याद रखेंगे थ्रू द ट्रिक टैग फॉर डार्क मैन। आपको फेसबुक पे टैग करना है फॉर डार्क मैन को। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है कि टैग फॉर डार्क मैन। सो देखिए टैग से सिंपली हम लोग याद रखेंगे टैगमैन, फॉर से याद रखेंगे फोरबिंग, डार्क से याद रखेंगे डार्क एंड मैन के एम से याद रखेंगे मेजोथोरैक्स। सो देखिए टैग फॉर डार्क मैन के थ्रू हमने याद रख लिया कि टैगमैन को ही बोलते हैं फोरबिंग, टैगमैन को ही बोलते हैं फोरबिंग और ये फोरबिंग डार्क होता है एंड मेजोथोरैक्स से निकलता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है और इससे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट देखिए काकरोच में मेनली जो एक्सक्रीशन का काम होता है वो मैल्फीजियन टिब्यूल करता है बट फैट बॉडीज यूरिकोज ग्लैंड एंड नेफ्रोसाइट भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। काकरोच को एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं फैट बॉडीज यूरिकोज ग्लैंड एंड नेफ्रोसाइट भी एक्सक्रीशन में काकरोच को हेल्प करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया गया है बहुत अच्छे से। तो इसको हम लोग याद रखेंगे थ्रू द ट्रिक फन 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 के एफ से हम लोग याद रखेंगे फैट बॉडीज, यू से याद रखेंगे यूरिकोज ग्लैंड एंड एन से याद रखेंगे नेफ्रोसाइट। सो मैल्फीजियन ट्यूब्यूल के अलावा वो कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि काकरोच को एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, तो वो है फैट बॉडी, यूरिकोज ग्लैंड एंड नेफ्रोसाइट। इसको हमने याद रख लिया थ्रू द ट्रिक फन फन के एफ से फैट बॉडी, यू से यूरिकोज ग्लैंड एंड एन से नेफ्रोसाइट। नेक्स्ट मशरूम शेप्ड ग्लैंड किस में पाया जाता है, मशरूम शेप्ड ग्लैंड मेल कॉकरोच में पाया जाता है या फीमेल कॉकरोच में पाया जाता है, इस पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है एंड इस चीज़ को लेकर हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तो आज की बात नहीं होगा। अब देखिए हम लोग कैसे याद रखेंगे, एम से होता है मेल, एम से होता है मेल एंड एम से होता है मशरूम शेप्ड ग्लैंड। तो इससे हम लोग याद रख लेंगे कि मशरूम शेप्ड ग्लैंड पाया जाता है किसमें, मेल कॉकरोच में, क्योंकि एम से होता है मशरूम एंड एम से होता है मेल। नेक्स्ट देखिए जो कॉकरोच का विजन होता है ना उसको बोलते हैं मोजाइक विजन, मोजाइक विजन। मोजाइक विजन में मोर सेंसिटिविटी एंड लेस रिजोल्यूशन पाया जाता है। ठीक, मोर सेंसिटिविटी होता है कॉकरोच के अंदर एंड लेस रिजोल्यूशन होता है यानी कि रिजॉल्विंग पावर जो होता है वो कम होती है लेकिन सेंसिटिविटी पावर क्या होती है उसकी आँख में ज़्यादा होती है। तो इस पर ऑलरेडी नीट में क्वेश्चन आ चुका है इस चीज़ के ऊपर तो इसको हम लोग याद कैसे रखें क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, लेस रेजोल्यूशन होता है या मोर रेजोल्यूशन होता है, इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इसके लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक हम लोगों को याद रखना वो है MSLR, MSLR। देखिए DSLR तो हम लोग सब जानते होंगे DSLR कैमरा, तो DSLR जो है D की जगह हम लोग सिंपली कर देंगे M, D की जगह सिंपली हम लोग लिख देंगे M, तो हो जाएगा हमारा MSLR। देखिए MSLR के M से हम लोग याद रखेंगे मोर, S से याद रखेंगे सेंसिटिविटी, L से याद रखेंगे लेस एंड R से याद रखेंगे रिजोल्यूशन। तो MSLR के थ्रू हमने याद रख लिया कि कॉकरोच के मोजाइक विजन के अंदर मोर सेंसिटिविटी होता है एंड लेस रिजोल्यूशन पावर होती है। नेक्स्ट हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं उसके बाद हम लोग कुछ और ट्रिक्स को देखेंगे। सो फीमेल जेनाइटल पाउच बनता है सेवंथ एट्थ नाइन्थ स्टर्नम से, सेवंथ एट्थ नाइन्थ स्टर्नम से मिलकर बनता है फीमेल जेनाइटल पाउच, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे ज़्यादा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो सेवंथ स्टर्नम होता है, जो सेवंथ स्टर्नम होता है वो होता है बोट शेप्ड, बोट शेप्ड होता है, जो सेवंथ स्टर्नम होता है वो होता है बोट शेप्ड। तो सेवंथ एट्थ नाइन्थ स्टर्नम से मिलकर बनता है फीमेल जेनाइटल पाउच एंड इसमें जो सेवंथ स्टर्नम होता है वो बोट शेप्ड का होता है। अब मेल जेनाइटल पाउच किससे बनता है, तो गाइस मेल जेनाइटल पाउच बनता है सिंपली इसी नाइन्थ स्टर्नम को हम लोग ले लेंगे, इसी नाइन्थ स्टर्नम को हम लोग फिर से ले लेते हैं तो हमारा हो जाएगा नाइन्थ स्टर्नम। ठीक, एंड नाइन्थ टर का एंड टेंथ टर का, ठीक इस नाइन्थ स्टर्नम को हमने ले लिया, फिर नाइन्थ टर्गा को ले लिया एंड टेन टर्गा को ले लिया, तो ये मिलकर बनाते हैं मेल जेनाइटल पाउच। नेक्स्ट कॉकरोच में सिक्स काइटनस टीथ पाए जाते हैं, कॉकरोच में सिक्स काइटनस टीथ पाए जाते हैं यानी कि काइटीन के बने होते हैं टीथ इसके। देखिए हम लोग क्या चल रहे हैं, हम लोग एक सीरियल वाइज से देख रहे हैं, ठीक, तो आपको याद करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी यानी कि देखिए हम लोग कम नंबर से ज़्यादा नंबर की तरफ जा रहे हैं तो आपको याद करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो कॉकरोच में देखिए सिक्स टीथ पाए जाते हैं, सिक्स टीथ पाए जाते हैं एंड
6 से 8 6 to 8 हेपेटिक सीके या गैस्ट्रिक सीके पाए जाते हैं। हेपेटिक सीके को ही गैस्ट्रिक सीके बोलते हैं। कॉकरोच के एक ओबरी में 8 ओबरियन ट्यूबुल्स पाए जाते हैं। कॉकरोच की एक ओबरी में या कह सकते हैं कॉकरोच के पर ओबरी में 8 ओबरियन ट्यूबुल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कॉकरोच के पास 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं, यानी कि स्पाइरेकल्स एक टाइप के छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं कॉकरोच की। नेक्स्ट, 13 चैम्बर हेड पाए जाते हैं। कॉकरोच में 13 चैम्बर हेड पाया जाता है एंड 13 टाइम्स मॉल्टिंग होती है। मॉल्टिंग का मतलब क्या होता है, जो कॉकरोच का निम्फ होता है वो 13 टाइम्स मॉल्टिंग करता है, तब जाके वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं इन सभी पॉइंट्स को। सो देखिए, फीमेल जेनाइटल पाउच बनता है 7th, 8th, 9th स्टर्नम से। फीमेल जेनाइटल पाउच बनता है 7th, 8th, 9th स्टर्नम से। एंड अब मेल जेनाइटल पाउच किससे बनता है, मेल जेनाइटल पाउच बनता है 9th स्टर्नम हो गया एंड 9th टर्गा एंड 10th टर्गा। ठीक, 9th स्टर्नम हो गया 9th 10th टर्गा मिल के बनाते हैं मेल जेनाइटल पाउच। अब 6 टीथ पाए जाते हैं कॉकरोच में, 6 टीथ पाए जाते हैं, 6 से 8 हेपेटिक सीके और गैस्ट्रिक सीके पाया जाता है। 8 ओबेरियन ट्यूबुल्स पाए जाते हैं पर ओबरी में 8 ओबेरियन ट्यूबुल्स पाए जाते हैं। 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं, जो कि छोटे छोटे होल्स होते हैं, इन्हीं की बोलते हैं स्पाइरेकल्स। तो 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं कॉकरोच में। 13 चैम्बर्ड हेड पाया जाता है एंड 13 टाइम्स मॉल्टिंग होती है, जिसके थ्रू जो निम्फ होता है वो एडल्ट कॉकरोच में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉकरोच में फिगर से भी बनते हैं। तो देखिए, इस चीज़ को हमको लेके बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कॉडल स्टाइल किस में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है कि फीमेल में पाया जाता है। तो देखिए, स्टाइल किसके पास होता है, स्टाइल होता है मेल्स के पास में। तो कॉडल स्टाइल कहाँ पाया जाएगा, तो कॉडल स्टाइल पाया जाएगा मेल कॉकरोच के पास, क्योंकि स्टाइल किसके पास होता है, मेल के पास। तो कॉडल स्टाइल पाया जाएगा मेल कॉकरोच के पास। नेक्स्ट देखिए, कोलेटेरियल ग्लैंड पाया जाता है फीमेल में। इसको हम लोग कैसे याद रखें हमेशा के लिए कि कोलेटेरियल ग्लैंड पाया जाता है फीमेल में। सो देखिए, आजकल कलेक्टर ज़्यादा कौन बन रहा है, तो आजकल कलेक्टर ज़्यादा बन रही हैं लड़कियाँ। ठीक, आजकल कलेक्टर ज़्यादा कौन बन रहा है, तो आजकल कलेक्टर ज़्यादा बन रही लड़कियाँ। सो देखिए, कलेक्टर से हम लोग याद रखेंगे कोलेटेरियल ग्लैंड एंड लड़कियाँ से याद रखेंगे यानी कि फीमेल। तो कोलेटेरियल ग्लैंड कहाँ पाया जाएगा, फीमेल के अंदर, यानी कि कोलेटेरियल ग्लैंड पाया जाएगा फीमेल कॉकरोच के अंदर।